Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال عليه الصلاه والسلام ناظرين اور سامعين सईदी चैनल में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आज जुमा का दिन है, जुमा की मुनासिबत से हम आप हजरात की खिदमत में चंद गुजारिशात और हिदायत पेश करने जा रहे हैं। गुज़िश्ता जुमा में हमने इस्लामी मुआशरे के रहनुमा उसूल बयान किए थे। इस्लामी मुआशरे के अफराद में से औलाद भी एक है। औलाद, बेटा बेटी, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए नेमत के तौर पर अल्लाह ताला ने फरमाया अपने कलाम मुकद्दस में, यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, कि अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं बेटियां देते हैं, जिसे चाहते हैं बेटे देते हैं। बहरहाल औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदरदानी हमें करना चाहिए, इस पर अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। इस नेमत का एहसास और इस नेमत की कीमत और अहमियत उन लोगों से पूछिए जिन्हें अल्लाह ने औलाद नहीं दिया है। औलाद के भी माँ बाप पर हुकूक होते हैं, जिस तरह माँ बाप के हुकूक औलाद पर है, औलाद के हुकूक भी माँ बाप पर है। दोनों के हुकूक एक दूसरे पर है। आज औलाद को माँ बाप से शिकायत है, माँ बाप को औलाद से शिकायत है। औलाद की शिकायत यह है कि माँ बाप हमारे हुकूक अदा नहीं करते हैं, माँ बाप हमारी तालीम और तरबियत की फिक्र नहीं करते हैं। बाज़ औलाद, कुछ औलाद अपने वालिदैन को शादी और निकाह का इशारा करते हैं, लेकिन फिर भी वो माँ बाप अपनी ज़ाती वजह से, अपने ज़ाती मफाद की वजह से शादी और निकाह में टाल मटोल करते हैं। इसी तरह कुछ माँ बाप को मुआशरे में औलाद से शिकायत है कि औलाद हमारी खिदमत नहीं करती है, औलाद हमारी नाफरमानी करती है, औलाद हमारी ताबेदारी नहीं करती है, औलाद हमारा ख्याल नहीं रखती है, वगैरह वगैरह। दोनों तरफ से शिकायतें हैं, लेकिन अगर ये दोनों तरफ से हुकूक की अदायगी हो जावे तो फिर औलाद भी माँ बाप की कदरदान और फरमाबरदार होगी और माँ बाप के हुकूक अदा करेगी और माँ बाप की तरफ से औलाद को भी कोई शिकायत नहीं होगी। एक वाकया मुझे याद आ रहा है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, अमीरुल मुमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफा सानी, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बाप अपने बेटे की शिकायत लेकर आया। हजरत उमर से कहने लगा, फरियाद करने लगा कि अमीरुल मोमिनीन, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है, मेरी खिदमत नहीं करता है, मेरी नाफरमानी करता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बेटे को भी अपनी अदालत में बुलाया, अपनी मजलिस में बुलाया और उस बेटे से कहा कि तुम्हारा बाप तुम्हारी शिकायत कर रहा है। तो बेटे ने भी सवालिया अंदाज में हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे ये बतलाइए, क्या सिर्फ औलाद के जिम्मे और औलाद के ऊपर माँ बाप के हुकूक है, या माँ बाप के जिम्मे भी औलाद के कुछ हुकूक है? अमीरुल मोमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन ने फरमाया कि हाँ जरूर, माँ बाप के जिम्मे भी और माँ बाप के ऊपर भी औलाद के कुछ हुकूक हैं। उस बेटे ने पूछा कि वो क्या हुकूक है? तो हजरत उमर ने चंद हुकूक शुमार फरमाए और चंद हुकूक बतलाए। उनमें से एक ये कि माँ बाप को चाहिए कि बेटा या बेटी पैदा हो तो उनका अच्छा नाम रखे और फिर उनकी अच्छी तालीम और तरबियत करें, उनको अच्छे अखलाक बतलाए, सिखाए। उस बेटे ने कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो आप सुनिए,
कि मेरे बाप ने न मेरा सही नाम रखा, न मेरी सही तालीम और तरबियत किया, बल्कि सबसे पहली बात यह है कि जो मेरी माँ है वो एक मजूसी है। मेरी माँ मुसलमान नहीं है बल्कि मजूसी है। और उसके बाद उस बेटे ने कहा कि जब मेरे बाप ने मेरा नाम रखा तो उसने मेरा नाम जाल रखा, जिसका एक खराब और बुरा माना होता है। फिर मेरे बाप ने मेरी तालीम और तरबियत का कोई इंतजाम नहीं किया, बल्कि मुझे जानवर चराने के लिए लगा दिया, मुझे जाहिल रखा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बेटे की ये बात सुनी तो उस बाप से कहा कि तुम मेरी अदालत से और मेरी मजलिस से अपना मुकदमा और अपनी शिकायत और अपनी फरियाद वापस ले लो। बहरहाल ये वाकया हमारे लिए सबक है, मैसेज है कि पहले हम भी अपनी औलाद की फिक्र करें, अपनी औलाद के हुकूक अदा करें, तब जाकर ये औलाद हमारी फरमा बरदार हो। आइए इस मुख्तसर सी मजलिस में हम देखते हैं कि औलाद के हम माँ बाप के ऊपर क्या हुकूक बनते हैं। हुकूक बहुत सारे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं हम माँ बाप पर अपनी औलाद की। उनमें से हम चंद को यहां पर बतलाते हैं और सुनते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले जब अल्लाह ताला किसी को औलाद दे, किसी के घर बेटा या बेटी पैदा हो, तो बेटा या बेटी के पैदा होते ही सबसे पहले उसके कान में अजान और तकबीर कही जावे, सीधे कान में अजान कही जावे और बाएं कान में तकबीर कही जावे, सबसे पहला अमल। ये क्यों? हमारे उलमाए किराम ने, हमारे बुजुर्गाने दीन ने इसकी बहुत सारी वजह बतलाई। उनमें से एक ये कि सबसे पहले जब बच्चा पैदा हो तो उसके कान में अजान और तकबीर इसलिए कही जाए कि दुनिया में आते ही सबसे पहला कलिमा और सबसे पहली बात उसके कान में और उसके दिमाग में ऐसी पहुंचे जिससे अल्लाह की अजमत और अल्लाह की बड़ाई जाहिर होती है, अल्लाह की किबरियाई जाहिर होती हो, तो इसलिए अजान और तकबीर कही जावे। उसके बाद दूसरा हक बयान फरमाया कि अब उसके बाद अच्छा सा नाम रखें, बेटा हो या बेटी हो उसका अच्छा इस्लामी नाम रखें। ऐसे नाम जिन नामों से अल्लाह ताला की बंदगी जाहिर हो रही हो, अल्लाह ताला की अब्दियत जाहिर हो रही हो, या ऐसे नाम जो अंबियाए किराम पैगंबरों के नामों में से हो, औलियाए किराम के नामों में से हो, बुजुर्गान दीन के नामों में से हो, या कोई अच्छे माना और मतलब वाला नाम। ऐसा नाम ना हो जिसका माना खराब हो, जिसका माना गलत हो, क्योंकि नामों का भी इंसान के ऊपर असर पड़ता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल था कि जिस किसी के नाम में गलती होती, जिस किसी के नाम का माना गलत होता, आप उसे बदल देते। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक बेटी का नाम आसिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नाम को बदलकर जमीला रख दिया। इसी तरह आता है रिवायतों में कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे का नाम हरब रखा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बदलकर हुसैन रख दिया। इसलिए नामों के रखने में बड़ा एहतियात करें। होता यह है कि हम ऐसा नाम ढूंढते हैं, ऐसा नाम तलाश करते हैं कि जो किसी का नाम ना हो, नया नाम, चाहे उसका माना कुछ भी हो, उसका मीनिंग कुछ भी हो, गलत हो, लेकिन वो नाम नया होना चाहिए, जिसकी वजह से बड़ी गलतियां हो जाती है और बड़े नुकसान होते हैं। हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला के नजदीक नामों में सबसे बेहतर नाम अब्दुल्लाह और अब्दुल रहमान, अब्दुल्लाह और अब्दुल रहमान, ये दूसरा हक था। तीसरा हक ये है कि अब वालिदैन को चाहिए कि बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो तो अब उसकी तालीम और तरबियत की फिक्र करें, उसकी तालीम और तरबियत की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि कुरान करीम में सबसे पहला हुक्म हम इंसानों को यह दिया गया है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक,
कि बढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया है। इसी तरह हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि हर मुसलमान पर दीन का इल्म हासिल करना फर्ज है। इसलिए या तो खुद अपने बच्चों को दीन की तालीम दे, दुनिया की भी तालीम हम दे सकते हैं उसका इनकार नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम दीन की तालीम दें। मकतबे कुरानिया में, मकातिबे कुरानिया में हम अपने बच्चों को भेजें, मकातिबे कुरानिया की हम कद्र करें। ये जो दीन की तालीम के छोटे छोटे मकातिब चलते हैं, हम देखिए कि इन्हीं मकातिब के अंदर हमारे बच्चों को दीन की सही तालीम दी जाती है, हमारे बच्चों को बतलाया जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, हमारे बच्चों को बतलाया जाता है कि बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। दुनिया में कौन सी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, कौन सी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है कि जिसमें माँ बाप की इस तरह इज्जत करना और अदब करना सिखाया जाता हो? कोई कॉलेज और कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं। तालीम की फिक्र करें, तालीम के साथ तरबियत, अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार हम अपने बच्चों को सिखाए, इसलिए कि अब ये बच्चा बड़ा हो रहा है, अब ये अपने वालिदैन के और अपने घर के अफराद के अखलाक और किरदार को गहरी निगाह से देखता है, अब वो मुआशरे का एक फर्द बनने जा रहा है, अब वो कुछ काम करना चाहता है, इसलिए चाहिए कि अच्छे अखलाक और अच्छे किरदार सिखाए। कि सबसे पहले बच्चा जब बोलने लगे, जब बात करने लगे, तो उसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना सिखाए। इसी तरह इब्ने माजा की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने बच्चों को हुस्ने अदब की तालीम दो, उनका इकराम करो यानी उनकी तरबियत करो और उन्हें अच्छे अखलाक सिखाओ। इसी तरह तिर्मिजी शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने बच्चों को जो कुछ गिफ्ट या तोहफे के तौर पर जो चीज भी देते हो, उसमें सबसे अच्छी चीज अच्छे अखलाक और अच्छे किरदार है। अच्छे अखलाक और अच्छे किरदार, यही सबसे अच्छा तोहफा और सबसे अच्छा गिफ्ट है हमारी अपनी औलाद के लिए। तीसरा हक बयान फरमाया कि जब बच्चे औलाद जवान हो जाए, शादी की उम्र को पहुंच जाए, तो अब माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के जवान होने के बाद, औलाद के जवान होने के बाद उनकी शादी और उनकी उनके निकाह की फिक्र करें। निकाह और शादी की उम्र हो जाने के बाद अब उसमें टाल मटोल और ताखिर हरगिज न करें, वरना हदीस पाक में है कि औलाद जब शादी के काबिल हो जाए, शादी की उम्र को पहुंच जाए और उसके बावजूद भी निकाह ना करे, शादी ना करे, और खुदा ना खास्ता औलाद किसी गुनाह में मुब्तला हो जाए, बदकारी में मुब्तला हो जाए, तो उसका वबाल उसके माँ बाप पर आएगा, उसका गुनाह उसके माँ बाप पर आएगा। इसलिए वक्त हो जाने के बाद, निकाह की उम्र हो जाने के बाद निकाह कर दे और शादी कर दे। तो ये चंद बातें थी जो आज की इस मुख्तसर सी मजलिस में बयान कर दी गई है, कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अल अज़ीम, व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।